अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इंडियन रोटी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गवार की फली। उसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो गवार की फली लिया है, जिसको हमने इस तरह से तोड़ कर रख लिया है। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर मूंगफली एक कटोरी। इसको हमें तवे पर ड्राई रोस्ट करके इस तरीके का पाउडर बना लेना है। बहुत ही बारीक नहीं करना है हमें, थोड़ा इसे मोटा मोटा रखना है। आलू दो मीडियम साइज़ के, जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। हरी मिर्ची 8 से 10, और इसको हमने इस तरह से अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तेल एक कटोरी। एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने इस तरह से अच्छे से बारीक कट कर लिया है। कोतमीर मैंने यहाँ पर डंडी के साथ काटा है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको इस तरह से हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नमक 2 टीस्पून, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप इसके बदले में विनेगर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसको अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर डालेंगे फली। फली को हम यहाँ पर तेल में थोड़ी देर भून लेंगे, भून कर निकाल लेंगे। फली को भूनने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। हम फ्लेम को हाई रखकर भुनेंगे। इसका पानी हम अच्छे से सूखने तक भूनेंगे। फ्रेंड्स, फली का पानी यहाँ पर सूख रहा है, हम इसे और थोड़ा सा भुनेंगे। फ्रेंड्स, फली को हमें इतना ही भुनना है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, फली को भुनने के बाद में ये इस तरह से लग रही है। सेम पैन में हम बचा हुआ तेल डाल देंगे इसमें। डालने के बाद हम तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, प्याज डाल देंगे हम इसमें। हम इसको अच्छे से भूनेंगे।
फ्रेंड्स प्याज को हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे कोथमीर। कोथमीर मैंने जितनी आपको बताई थी उसमें से हम आधी डालेंगे, आधी रख लेंगे, लास्ट में यूज़ करना है हमें थोड़ा। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद हम इसे अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे अच्छे से, जो इसकी अच्छी स्मेल है ना वो चली जाए। आप हरी मिर्ची के बदले में रेड लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मगर हरी मिर्ची से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी नमक। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो करने के बाद इसे 5 मिनट्स तक हम अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से टमाटर मैश करते रहेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से घुल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हम स्पून से इस तरह करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टमाटरों को अच्छे से भूनने में। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। हाई करने के बाद में हम थोड़ा इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर यहाँ पर अच्छे से मैश हो गए हैं। फ्रेंड्स हमें इसे इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे फली और आलू। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई रखकर पकाएंगे। फ्रेंड्स हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स हमें इसे इतना ही भूनना है। हमें इस मग से 4 मग पानी डालना है भर के। फ्रेंड्स इसमें मैंने 4 मग पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर, फली पाउडर, मूंगफली का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे।
काली मिर्ची, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर। साथ ही हम इसमें बची हुई जो कोदनी थी ना, हम उसमें वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे ढककर इसका पानी अच्छे से सूखने तक पकाएंगे। इसे ढककर हम फ्लेम को हाई रखेंगे, बीच बीच में हम इसे हटाकर देख लेंगे फ्रेंड्स इसका पानी सूखा है या नहीं। फ्रेंड्स टाइम हो चुका है, अब हम इसे हटाकर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पानी अच्छे से सूख गया है और आलू हमारे अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फल्ली बनकर अच्छे से यहाँ पर रेडी हो गई है, मैं अब आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, फल्ली की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी चावल हर एक के साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बाय, अल्लाह हाफिज़।